मैं भूपेंद्र जांगड़ा आज आपके सामने स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ बजाज अलाइज लाइफ का इलाइट श्योर प्लान के बारे में। देखो दोस्तों, ये क्या है कि एक तरह से बोनस बेस्ड प्लान है, यानी कि जिस तरह से कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी प्रॉफिट का, वैसे वैसे आपके जो प्लान लिया उसके अंदर जुड़ता जाएगा और मेच्योरिटी के रूप में आपको जिस तरह से बोनस मिलेगा उस तरह से पैसे है वो मिल जाएंगे। इसके साथ ये क्या है कि दोस्तों, एक तरह से क्या है कि एंडोमेंट प्लान है। एंडोमेंट प्लान का मतलब हो गया कि इसका जो भी आपको पैसा मिलेगा वो एक साथ इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो इस पैसे को आप अपने बच्चों की शादी के लिए या कोई शिक्षा के लिए, या जब आपको चाहिए कि आपको एक साथ पैसा चाहिए तो उस तरह से आपको क्या है कि एक साथ इकट्ठा पैसा इस प्लान के अंदर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज क्या क्या प्लान समझने की कोशिश करते हैं। अगर पीपीटी और पॉलिसी टाइम के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है, वो आपको मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा, क्योंकि जब आप इस प्लान को या पॉलिसी टाइम लेंगे या पीपीटी का टाइम लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसके अंदर। वो अपने आप है क्या है कि मर्जी के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार उसको चुन सकते हैं। तो आज के प्लान में दोस्तों, जो मैं एज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ दोस्तों 31 की एज, यानी कि जब प्लान को ले रहे हैं। अब दोस्तों, इस प्लान के अंदर बात आती है अभी पेमेंट कितने टाइम के लिए कर सकते हैं हम। पहले हम पेमेंट की नहीं, हम बात करते हैं अभी पॉलिसी टाइम। तो वो दोस्तों क्या है कि मिनिमम हमें पॉलिसी लेनी पड़ेगी 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, उससे ज्यादा 25 साल के लिए, उससे ज्यादा है वो 30 साल के लिए। मैक्सिमम इसके अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी टाइम है वो 30 साल के लिए ले सकती है। अब आती है पीपीटी, पेमेंट है प्रीमियम टाइम। तो वो दोस्तों, इसके अंदर पेमेंट हम 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 7 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। कितने साल के लिए क्या है कि इसके अंदर पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेमेंट लेने का अलग तरीका है। अब मानो आपने क्या है कि पॉलिसी ले रहे हो आप 30 साल के लिए, फिर पॉलिसी का टाइम चाहिए मेरे को 30 साल के लिए। अब पेमेंट आपको 5 का ऑप्शन मिल जाएगा, 7 का ऑप्शन मिल जाएगा और 10 का। इसके अलावा आपको और भी एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट, मतलब पेमेंट आप 30 साल भी कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, ये नहीं कि आप इसके अंदर पेमेंट का ऑप्शन 15 या 20 साल के लिए ले सकते हो, नहीं। अगर आप मानो पॉलिसी का टाइम लेते हो 25 साल के लिए, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 10 साल के लिए। इसके 10 साल से आगे जो आपका पॉलिसी टाइम आपने लिया है, ठीक समझ रहे हो दोस्तों, जितने साल का पॉलिसी टाइम लिया तो उतने साल का आप इसके अंदर पेमेंट समय है वो ले सकते हो दोस्तों। और आज के प्लान के अंदर दोस्तों, जो पॉलिसी टाइम मैं ले रहा हूं वो लिए दोस्तों, आपको क्या कि हम प्लान को समझने के लिए वो लिए है मैंने 25 साल का। और जो पीपीटी जो आज के प्लान में ले रहा हूं वो 10 साल, यानी कि इस प्लान के अंदर जो भी हमें क्या है कि पेमेंट करनी पड़ रही है वो 10 साल के लिए दोस्तों पेमेंट करेंगे। इससे पीपीटी का समय अगर लेता हूं तो मेरे को डायरेक्ट मिलेगा वो 25 साल के लिए ले रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इसके अंदर पेमेंट का ऑप्शन ले रहा हूं 10 साल। अगर दोस्तों प्रीमियम की बात की जाए, मिनिमम तो इसके अंदर आप 35,000 रुपए सालाना से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आज के प्लान में लिया है वो लिया है 50,000 रुपए। तो इसके साथ जो पहले साल से 4.25% की जीएसटी वो इंक्लूड नहीं किया है, ना ही मैंने कोई राइडर वगैरह ऐड किया है। आपको बेस प्लान यानी 50,000 रुपए प्लस में जीएसटी, सेकंड ईयर जीएसटी वो 2.25% से अलग रहती है। अब दोस्तों, इस प्लान के अंदर मानो हम क्या है कि प्रीमियम ले रहे हैं 50,000 रुपए का, तो जैसे ही हम प्रीमियम 50,000 का ले रहे हैं तो हमारा सम इश्योर्ड वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 5 लाख। सम इश्योर्ड हो गया हमारा कि बीमा धन दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या है कि सम इश्योर जो मिल रहा है वो मिल रहा है, फिर है जैसे हम प्रीमियम 50,000 रुपए पे करते हैं तो 5 लाख रुपए। अब दोस्तों टोटल मेच्योरिटी कम मिलेगी, यानी कि जब व्यक्ति की एज या 55 साल हो जाएगी या की पॉलिसी क्या कहो 25 वर्ष अपने को पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है कि इसको हम समझने की कोशिश है वो करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति मानो एज है वो 31 साल की एज का ले लिया है, तो वहाँ पे उसने क्या 50,000 रुपये प्रीमियम भरने स्टार्ट कर दिए। और मैंने भाई आपको बता दिया कि जैसे ही उसने प्रीमियम 50,000 रुपये पे किया, पे करते उसको जो यहाँ पे बीमा धन मिल गया वो मिल गया 5 लाख रुपये। तो यहाँ पे पेमेंट जो हमें करनी थी वो ली करनी थी हमें 10 साल के लिए। तो टोटल हमने क्या है कि यहाँ पे पेमेंट कर लिए वो 10 साल, यानी जब व्यक्ति की 40 साल की एज है तब उसने पेमेंट है वो 50,000 रुपये, तब तक वो करता रहेगा हर साल 50,000, यानी कि 5 लाख रुपये पेमेंट है वो कर दी। अब दोस्तों आगे उसको क्या है कि जब
पेमेंट 10 साल बाद में करने के लिए, आगे जितना भी पॉलिसी टाइम है बाकी है 15 साल का, उसको ना तो पैसे मिलेंगे ना उसको क्या है कि पैसे वो जमा करने, यानी कि जब तक 55 वर्ष की एज है तब तक उसको, सॉरी दोस्तों, जब तक उसकी एज है 54 वर्ष तक है उस तक तब तक उसको पैसे वो जमा नहीं करने पड़ेंगे, 55वें वर्ष उसको मेच्योरिटी है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि गारंटेड एनुइटी एडिशन बोनस की प्लस में सम एश्योर्ड, तो जैसे उसको क्या है कि पेमेंट करते हुए यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 साल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि व्यक्ति की जब 40 साल की एज हो जाएगी तो जो अपना बीमा धन था 5 लाख रुपए उसका ये आप ये मानो 27,229 रुपए लगभग बोनस जो आज की डेट में चल रहा है कंपनी के हिसाब से वो क्या है कि ऐड होगी उसके अंदर जुड़ना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों 27,229 रुपए क्या है कि आप हर साल क्या है इसके अंदर ऐड होते रहेंगे, और जब तक क्या है कि 55 वर्ष की व्यक्ति की एज हो जाएगी तो हमारा बीमा दर प्लस में जो हमारा बोनस ऐड होकर टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा दोस्तों 9,35,662 रुपए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर कंपनी क्या है कि पहले से एक मेच्योरिटी, ठीक है दोस्तों, यानी कि मेच्योरिटी बेनिफिट है वो देती है गारंटेड, तो वो दोस्तों कितना रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा 8,26,646 रुपए दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या है कि ये दोनों मिल गया साथ में, अब क्या रहेगा दोस्तों, एक होता है टर्मिनल बोनस होता है, टर्मिनल बोनस क्या रहता है कंपनी अपनी ओर से एक्स्ट्रा क्या है कि अपने पॉलिसी होल्डर को देती है, अगर मानो हमने टाइमली पे किस्तें जमा किया तो उसके अंदर कुछ कंपनी क्या है कि अपनी ओर से क्या है कि बोनस डिक्लेयर करती है टर्मिनल बोनस, तो वो दोस्तों इसके अंदर लगभग मिल जाएगा 73,281 रुपये का। अब दोस्तों बात की जाए यहाँ पे टोटल मेच्योरिटी की, तो टोटल मेच्योरिटी मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे उसको क्या रहेगा कि 18,35,589 रुपये लगभग है। तो इस प्लान में क्या है 25वें वर्ष क्या होगी लगभग इतनी मेच्योरिटी उस व्यक्ति को इस प्लान के अंदर है वो मिल जाएगी दोस्तों। तो कैसा लगा प्लान दोस्तों जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।